हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का चैनल पर स्वागत है। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश महिला एएनएम स्वास्थ्यकर्ता प्रथम काउंसलिंग रिजल्ट के बारे में। प्रथम काउंसलिंग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे। मैंने काफ़ी दिनों से इस बारे में अपडेट नहीं दिया आपको, मुझे कहीं से भी क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने एक दिन बात किया और बात में मुझे परिवार कल्याण मंत्रालय से पता चला कि रिजल्ट और कुछ दिन लग सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा है मुझे कि 10 तारीख तक का बोल रहे थे, वो 10 तारीख तक रिजल्ट आ सकता है। और मैंने उनसे पूछा कि सेकंड काउंसलिंग होगी क्या नहीं, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि जो भी मैं अपडेट देता हूं वो केवल परिवार कल्याण मंत्रालय से बात करके देता हूं, लेकिन उस डेट पे रिजल्ट नहीं आता। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये जो यूट्यूबर है ये गलत है, फर्जी वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरी सत्यता के साथ कहूँ कि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार इस प्रकार से अपडेट दे करके और उस अपडेट पे खबर सही नहीं उतरे तो खुद को खेद महसूस होता है। लेकिन आप लोगों को काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था और कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बात करके परिवार कल्याण मंत्रालय से इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको पता लग सके। आप भी बात करते होंगे, आपको भी यही पता चला होगा। जो भी उनसे बात हुई होगी आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। लेकिन मुझे जो कहा है मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगले 10 तारीख तक रिजल्ट आ सकता है। अब हम देखते हैं, इतने दिन इंतज़ार किया है और कुछ दिन और सही क्या होता है। तो इस प्रकार से जानकारी थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, काफ़ी जगह एएनएम की भर्ती निकल रही है। अभी आप छत्तीसगढ़ में पता करो, छत्तीसगढ़ में भी कवर्धा के लिए कुछ पद निकले हैं एएनएम के लिए और दूसरे स्टेटों में भी निकल रही। लेकिन पता नहीं मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हो गया है कि जो ट्रेनिंग के लिए काउंसलिंग हुई थी उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो देखते हैं हम, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इस बार तो इतना ही। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।